रख कर भून लूँगी। अब देखिए इसमें वो कंदा जल गया, अब इसमें टमाटर। वो मूंग का दाल धो के रखती हूँ, इसमें रख दूंगी। तब फ्राई करूंगी। ये दाल भून गया है, अब इसमें पानी डाल दूंगी। अब इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर और नमक। अब इसको कुकर का ओवन कर दूंगी, 4-5 सीटी लगा के। दाल मेरा तैयार हो गया है। अब इसको ना वो घाटे का जरूरी है ना फ्राई करने का। ये देखिए